मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में हमें, हमें हल करनी है बच्चों हमें पहली प्रॉब्लम में साइन थीटा प्लस ए की वैल्यू दे रखी है एक्स और हम को साइन थीटा और साइन थीटा में रिलेशन जानते हैं कोटा थीटा होता है अंडर द रूट ऑफ थीटा थीटा एक एंगल होता है जिस तरीके से थीटा एक एंगल होता है बच्चों उसी तरीके से थीटा प्लस ए भी एक एंगल है कोसाइन थीटा क्या होगा अंडर द रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्र थीटा जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है x और और इसी तरीके से की की वैल्यू हो जाएगी अंडर अंडर रूट रूट ऑफ़ 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 भाई कोसाइन थीटा प्लस बी क्या होगा अंडर वन का थीटा प्लस बी। और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती हुई नजर आ रही है उससे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों में ही माइनस भी कर दूं तो ये एक्सप्रेशन ये के बराबर होगा भाई आपने क्या करा? थीटा और ये माँनस थीटा। माँनस थीटा से प्लस थीटा हो जाने के बाद फाइनली ए माइनस बी ही बचेगा और को साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है माइनस बी होता है को a ए b बी माइनस माइनस नहीं प्लस आएगा साइन ए इन साइन बी वही ए का काम कर रहा है यहां पर थीटा प्लस ए और बी का काम कर रहा है बच्चों थीटा प्लस बी आपको साइन थीटा प्लस ए की वैल्यू तो आपको आपने निकाली है अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क् और वही बात बच्चों को साइन ऑफ़ ऑफ़ थीटा प्लस की तो वो है अंडर रूट और ये वैल्यू आपको गिवन थी ये वैल्यू भी आपको गिवन थी दोनों वैल्यूज आपने प्लेस कर दी सो व्हाट यू गेट यू गेट बच्चों को साइन ऑफ ए माइनस बी आपको ये इस प्रकार से मिल गया अब आपको कोसाइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी चाहिए जो कि निश्चित रूप से क्या होगा जो कि होगा टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा और थीटा का काम का ये कर रहा है माइनस वन ये लीजिए आप ये और कोसाइन स्क्वायर और कोसाइन ए माइनस बी की वैल्यू आपके समक्ष लिखी हुई है वो एज इट इज जो की वैसी मैंने प्लेस कर दी ये लीजिए साहब ये आपने कोसाइन स्क्वायर की वैल्यू रख दी कोसाइन की वैल्यू रख दिया उसका स्क्वायर कर दिया और ये माइनस वन और अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो टू अपनी जगह पर है इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर क्या होगा वन माइनस एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र और फिर बी का स्क्र याने कि इसका स्क्वायर तो ये कुछ ऐसा आ जाना है और फिर साथ में क्या टू टाइम्स ऑफ ए बी तो टू टाइम्स ऑफ ए बी यने कि वन माइनस एक्स स्क्र वन माइनस वाई स्क्र एक साथ में भी लिखा जा सकता है तो ये लीजिए साहब ये आपने क्या करा ये हमने इस पूरे का स्क्वायर कर दिया भाई इसका स्क्वायर करा तो ए ये आ जाएगा रूट हट जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन भी साथ में कर दिया प्लस बी स्क्वायर ये कर दिया प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी कुछ ऐसा पिक्चर बनेगी और ये माइनस वन जैसा लिखा हुआ था वैसा का वैसा मैंने लिखे रखा मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की है चलिए ये हमारे पास में जो है कोसाइन टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है इसे और फर्दर आप अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए चलिए यहाँ पर टू uh, का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा टू में से वन जाएगा तो वन बचेगा वन माइनस टू ऑफ एक्स स्क्स वाई स्क्र और ये क्या एक्स स्क्स वाई स्क्र ये दो बार एड होगा और फिर उस पर टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर एक्स वाई स्क्र और फिर साथ में क्या फोर एक्स वाई इंटू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र ये आपके पास में कोसाइन टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू आ गई अब आपको आ, जो है आ, जो प्रूव करना है आप एक काम कीजिए एल एच एस ले लीजिए तो जो हमें सिद्ध करना है भैया हम उसकी एल एच एस उसका वाम हस्त पक्ष लेते हैं और कोसाइन टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी क्या होगा वो हमने यहाँ पर लिखा ही था वन माइनस टू टाइम्स ऑफ क्या एक्स स्क् प्लस वाई प्लस फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क् वाई

ये आपके पास आया और बस इतना ही है एल आपने ली, एल में कोसाइन टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू फीड कर दी और साथ में कोसाइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू भी फीड कर दी अब ये जो लिखा हुआ है उसे मैंने ऐसा का, ऐसा लिखा इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फोर एक्स स्क् वाई स्क्र हो जाएगा माइनस फोर एक्स वाई इंटू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र वन माइनस वाई स्क्यर साथ में भी लिख दिया जाए तो कोई हल्ज वाली बात नहीं है और जब ये ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट मारा है कॉपी पेस्ट मारा तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस फोर टाइम्स है और ये माइनस फोर टाइम्स है ये कैंसिल होकर फाइनली ये वही बचेगा जो आपको आवे थे इस पर प्रूव करना था भैया मेरे जहन में मेरे मस्तिष्क में मेरे दिमाग में मेरी खोपड़ी में मेरे ब्रेन में ये अप्रोच आई है आपके अप्रोचेस हो सकता है इनसे डिफरेंट हो इससे डिफरेंट हो और इससे ज्यादा बेहतर भी हो नोट डाउन कर लीजिएगा जिसने किसी ने नहीं किया हो अगली प्रॉब्लम में हमें बच्चों जो प्रूव करना है उसके लिए मैं काम करता हूं मैं टेन थीटा बाय टू की वैल्यू निकालता हूं टेन थीटा बाई टू की वैल्यू होगी वन बाय टू टाइम्स ऑफ टेन फाइव बाई टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो वो वन बाय टू टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगी ऑब्वियसली अब इससे यदि आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू क्या होती है वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू ये कुछ होगी ये लीजिए हमने ये कर लिया अब अगली अगला काम क्या करेंगे बच्चों अगला काम हम ये करेंगे कि हम यहां पर जो टेन थी टू की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ निकाली थी वो यहां रख देते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें आ, एक हाँ टेन थीटा बाई टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन फाइव बाई टू रखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा और यहां पर भी कुछ ऐसा ही आएगा ये लीजिए जनाब ये कुछ हमारे समक्ष आ चुका अब अगला काम क्या किया जाए अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये फोर माइनस क्या चुका? आ चुका टेन स्क्वेयर फाइव बाय टू अपॉन फोर प्लस टेन स्क्वर फाइव बाय टू लेकिन आपको जो आ, आपको एक्चुअली रखा है ना उसमें थीटा है है और हमने यहाँ पर क्या है कॉस्ट थीटा तो ला दिया कैसे तैसे लेकिन हमें कॉस्ट फाय अभी भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं साहब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम जब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में कंपोनेंट एंड डिवेंडे लगाते तो मैं आपको याद दिला दूं हम टेन्स के थ्रीटा को क्या लिख सकते हैं हम टेंस का थ्रीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थ्रीटा तो वो ये कुछ हो जाएगा और इसका ट्वाइस करेंगे तो वो फाइव हो जाएगा वन माइनस और ये वन प्लस और अपॉन में क्या फोर प्लस वन माइनस कॉस फाइव और अपॉन में क्या वन प्लस कॉस फाइव ये लीजिए जनाब ये कुछ आपके पास में आ चुका अब आप एलसीएम लीजिए फोर का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर होगा फोर का कॉस फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर कॉस फाइव होगा और माइनस वन होगा और ये प्लस कॉस फाइ होगा और यहां पर जब फोर में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर प्लस कॉस फाइ प्लस वन माइनस कॉस फाइ सॉल्विंग दिस क्या मिलेगा हमें आज फोर में से वन जाएंगे तो थ्री बचेगा और ये फोर प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चों फाइव कॉस फाइव हो चुका जनाब और फोर प्लस वन क्या होगा फाइव और ये क्या हो जाएगा साहब ये कुछ हमारे पास में वैल्यू 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 आई किसके इन इन ऑफ 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 थीटा थीटा दिस वी हैव टर्म्स मल्टीप्लाई कर देने पर आपको मिलेगा course, five five. कर यही हमको प्रूव करना था यही हमें सिद्ध करना था so अगली प्रॉब्लम उठाने जा रहा हूं इसमें मुझे कॉस है प्लस कॉस बी और साइन है प्लस साइन बी दोनों की वैल्यू दे रखी बच्चों जीरो आपको कॉस है प्लस कॉस बी की वैल्यू भी जीरो और साइन है प्लस साइन बी की वैल्यू भी जीरो एक काम कीजिए बच्चों इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप कॉस ए प्लस कॉस बी टू जीरो जो दे रखा है बच्चों इसका वर्ग कर दीजिए और इसी तरीके से आप साइन ए प्लस साइन बी जो दे रखा है उसका भी दोनों बाजू स्क्वायर कर दीजिए वर्ग कर दीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए भाई आप कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू जीरो है दोनों बाजू स्क्वायर किया साइन है दोनों बाजू स्क्वायर किया और स्क्वायर कर देने के बाद में इन दो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए जब सबट्रैक्ट करेंगे तो कॉस् ए प्लस कॉस्र बी प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉस है कॉस बी ये तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर करने से जो एल एच एस बनेगी वो आई और फिर माइनस क्या है माइनस है साहब साइन स्क्र ए माइनस है साहब साइन स्क्र बी और माइनस ही है साहब टू टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी अब कॉस्कर ए माइनस साइन क्या होगा बच्चों कॉस टू ए हो जाएगा अच्छा इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि जीरो, जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो 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 जाएगा तो जीरो ही आएगा ये तो कोई भी जीरो किस्म का व्यक्ति भी बता सकता है बच्चों कॉस्स साइनस कह रहे कॉस टू ए भी माइनस साइन होगा बच्चों कॉस टू बी और ये टू टाइम्स आपने कॉमन निकाल दिया

वैसी ही है जैसे सेकंड नंबर की प्रॉब्लम थी प्रैक्टिस करना ही इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है भैया थोड़ी कमांड हो जाए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और मैथमेटिक्स तो जाहिर सी बात है भैया प्रैक्टिस से ही अच्छा होता है बेहतर होता है बच्चों हमें जो टेन थीटा बाई टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन फाइव बाई टू दे रखिए मैं इसमें एक काम करता हूँ टेन फाइव बाई टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा बाई टू निकालता हूँ तो वो कुछ है? ऐसी आएगी बड़ी फेवरेट किस्म की प्रॉब्लम है आपको बहुत सारी परीक्षाओं में नजर आ जाएगी बहुत सारी पुस्तकों में भी यह प्रॉब्लम लिखी हुई दिख जाएगी आई हैव डिटर्मा वैल्यून फाइव बाई टू इन टू दिस अब आप एक काम कीजिए इससे कॉस फाइव निकालिए और कॉस फाइव क्या होगा बिल्कुल वैसा ही जैसा सेकेंड प्रॉब्लम में हमने थोड़ी देर पहले ही किया है और ही बात की तो, इसका करेंगे, तो ये वन प्लस ई होगा ये वन माइनस ई होगा और ये टेन स्कटा बाय टू हो जाएगा और यहां पर वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई क्या थीटा थीटा ये लीजिए e का मल्टीप्लाई कीजिए e e फिर ये वन माइनस ई प्लस वन प्लस ई इंटू क्या टेन स्क्वर थीटा बायू ये कुछ हमारे पास में आ चुका अभी क्या करेंगे आप अभी ये करेंगे कि ये वन तो अपनी जगह पर है ई भी अपनी जगह पर है इस वन का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये भी कुछ आ जाएगा और ये माइनस ई भी कुछ आ जाएगा ये लीजिए जनाब हमने ऐसा कुछ कर दिया और वैसे ही ये वन माइनस ई अपनी जगह पर है और वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा बाय टू और ये प्लस ई टेन थीटा बाय टू लीजिए जनाब ये आपके पास आ चुका अब आप एक काम कीजिए बच्चों इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए और इन दोनों को भी एक साथ में लिख दीजिए ये लीजिए साहब अभी क्या होगा यहां पर आपने इन दोनों को एक साथ में लिखा तो ये आ गया 1 10 स्क्वायर थीटा 2 1 10 स्क्वायर थीटा 2 इन दोनों में से माइनस e कॉमन निकाला तो यह होगा 1 tan स्क्वायर थीटा 2 फिर यह इन दोनों को एक साथ में लिखा तो वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बाय ये लीजिए मैंने क्या करा सिंपल सा काम ये करा बच्चों ई वालों को एक साथ लिख दिया और बिना ई वालों को एक साथ में लिख दिया होप आपको यह समझ में आया है हल्का फुल्का हमने इसमें जो है ऑर्डर को आगे पीछे कराए भाई वन को और इसको एक साथ में लिख दिया देख लीजिए और ये माइनस का ई e है ये भी माइनस का ई e है आप नोटिस कर लीजिए माइनस का ई e, माइनस का इन e, दोनों में से माइनस ई कॉमन निकाल दिया तो यह बचेगा वन प्लस टाइनस का थीटा बाय टू और फिर यहां पर क्या होगा वन प्लस टाइनस का थीटा बाय टू और इन दोनों में से अगर आप देखें तो मैंने ई e इसमें भी है ई e इसमें भी, इस भी है ये माइनस का ये प्लस का है मैंने माइनस का ई e कॉमन निकाला जब माइनस का ई कॉमन निकाला तो जहां माइनस का था वहां प्लस आ गया और जहां प्लस था माइनस भी आ चुका है अब एक काम और करिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को ये जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष आया है इस एक्सप्रेशन को आप वन प्लस टेन थीटा बाय टू से वन प्लस

कुछ ऐसा और यहाँ मिलेगा हमें कुछ ऐसा. व्हाट आई हैव डन आई हैव डिवाइडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 1% का थीटा बाय 2 इन दोनों को अंश और हर दोनों को मैंने इससे विभाजित कर दिया जब इससे डिवाइड करूंगा तो जरा गौर कीजिए बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ये और कुछ नहीं ये cos थीटा है और -e था और ये 1 e cos थीटा अभी ये कॉस फाइव की वैल्यू आई और कॉस फाइव की वैल्यू आई है लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास में आएगा कुछ ऐसा और ये कॉस थीटा माइनस ही थी। ये ध्यान दे दीजिए जो प्रूव करना बच्चों वो वही है कॉस थीटा माइनस ही थी, माइनस ही मैंने ऊपर लिखा जगह की कमी थी भैया और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को लिखूं तो मैंने इसीलिए जो है वो थोड़ा सा जगह का यूज़ कर लिया और करना भी चाहिए भैया हम जिस तरीके से रफ कॉपी का उपयोग करते हैं कि हम हर उसका एक एक कोना उपयोग करते हैं मैं तो कम से कम जब लिखता हूँ या कुछ काम कर रहा होता हूँ तो पूरा एक एक पार्ट उसका एक-एक छोटे छोटा सा पोर्शन भी यूज करने की कोशिश करता हूं पांचवे नंबर की पॉलम पर आ रहा हूं बच्चों इसमें सेकंड आपको दे रखे हैं एलएचएस पर आरएचएस पर और आपको प्रूव जो करना उसमें है उसमें तो कॉस्ट साइन है बच्चों पहली बात तो ये कि थीटा को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन थीटा और वही मैंने किया तो वन अपॉन थीटा वन अपॉन थीटा वन ये लीजिए और आर एच एस पे क्या है बच्चों आर एच एस पर है हर गिज नहीं है भैया इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस फाइव आया और इसका मल्टीप्लाई करा तो ये कॉस्थीटा प्लस फाइव आया और अपॉन में क्या है अपॉन में बच्चो ये कोसाइन थीटा प्लस फाइव है कोसाइन थीटा माइनस फाइव है और इज टू टू अपॉन थीटा तो है ही सही अब ये जो न्यूमरेटर बन रहा है बच्चों ये इसमें कॉस् थीटा प्लस फाइव थीटा माइनस फाइव तो या तो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म लगा दीजिए भैया कॉस्ट सी प्लस कॉस डी सम डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए या फिर आप कॉसाइन ए माइनस बी और कौसाइन ए प्लस बी की यानी कि कंपाउंड एंगल्स की जो आइडेंटिटी होती है उसका यूज करके इसको एक्सपांड कर लीजिए आपको फाइनली इन दोनों में से किसी भी तरीके से चला जाए फाइनली आपको ये मिलेगा और जहां तक डिनोमिनेटर का सवाल है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता बच्चों कॉस स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज अभी टू से टू कैंसल हो जाने का है भैया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बाई रिपीट कॉस स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कॉस थीटा होगा ये कॉस होगा और इस इक्वल टू क्या बच्चों ये है कॉस स्क्र ये रहा भाई टू तो कैंसिल हो चुका है दोनों बाजू अब एक काम और कीजिए बच्चों साइंस के फाइव को यहाँ ले आइए और का को इसको ले आइए और इसको यहाँ लेके चले जाइए तो क्या होगा बच्चों आर एच एस पे ऑलरेडी कॉस्कर थीटा तो था ही सही अभी कॉस्क थीटा भी आ गया कॉस फाइव भी आ गया और साइंस के फाइव जो आर एच एस पे नेगेटिव था वो आर एच एस पर आकर पॉजिटिव धनात्मक नॉन नेगेटिव हो जाएगा ये आ चुका अभी इसमें से भैया क्या होगा कॉस्कर थीटा को कॉमन निकाल दिया तो ये वन माइनस कॉस फाइव और बच्चों आ आ गया, आ गया ये ये लीजिए अभी इसमें क्या होगा ये के थीटा को दिखा, वन के थीटा को यदि मैं लिख तो कोई दिक्कत होना किसी को नहीं चाहिए भाई हमने वन थीटा क्या होता का तो और वही बात बच्चों ये साइन की तो इससे आप लिख सकते हो टू साइन फाइव बाई टू ऑफ फाइव टू का होल स्केयर नेक्स्ट स्टेप में एक और काम करते हैं बच्चों ये के थीटा जैसा था, ये जैसा है इससे वैसा ही रखा लेकिन टू का स्क्यर होगा फोर साइन स्क्र फाइव बाय टू और ये को साइन स्क्र फाइव बाय टू क्या मैंने सही किया है बिल्कुल सही किया है अभी कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल कैंसिल हो रहा है टू से हो के टू जाएगा। टू टू और आपको मिल जाएगा क्या आपको इससे आप दोनों बाजू वर्ग मूल ले लीजिए स्क्वायर रूट ले, ले लीजिए जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा टू कितना जाएगा प्लस माइनस रूट टू कॉस फाइव बाई टू क्या वही हमको प्रूव करना माशाल्लाह और दोनों बाजू क्या करा मैंने बच्चों दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड मैंने पांच प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली हैं ग्यारह टोटल हैं मतलब छह करना बाकी हैं कर लीजिएगा चलिए हम लोग अगली प्रॉब्लम पर बढ़ रहे हैं और यहां पर tan 45 डिग्री थीटा 2 दे रखा है आपको और tan a b की आइडेंटिटी यदि लगा दी जाए तो वो होगी टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी यही कुछ होगा पर टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए बी बाई आपके पास में आ रहा रहे बाबा और इधर भी आप यदि देखें तो क्या टेन यानी कि ये प्लस टेन बी यानी कि ये और अपॉन में वन माइनस इंटू टेन बी लीजिए साहब और और एक और काम भी है भैया ये केवल इतना ही लिखने का काम नहीं है इसका क्यूब भी करना है लीजिए जनाब कर दिया अभी क्या होगा टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है आपने बचपन में सुना होगा सुना था भैया तो ये वन प्लस टेन थीटा आ गया वन प्लस टेन थीटा बाई टू और ये वन माइनस टेन थीटा और ये वन प्लस टेन फाइव बाई टू अपॉन वन माइनस टेन फाइव बाई टू और इस पूरे का क्या क्यूब उस पूरे का मैंने क्यूब कर दिया इस पूरे का मैंने दोनों तरफ घन कर दिया है साहब कर दिया है अभी आप एक और काम कीजिए बच्चों दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए जब तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा ये लीजिए दोनों तरफ़ स्क्वायर कर दिया एल एच एस पे स्क्वायर किया तो आर एच एस पे स्क्वायर नहीं करेंगे तो आर एच एस को बुरा लग जाएगा भैया और अपन क्यों किसी का बुरा करें हम तो भैया इंटेंशनली कभी किसी का बुरा करना पसंद नहीं करते अनजाने में हो जाए तो एक अलग बात है समझते होंगे मेरी बात का मतलब ये लीजिए साहब आपने ये कर दिया अभी दोनों बाजू स्क्वायर कर दिया लिखना पड़ेगा ना स्क्रिंग बहुत साइड आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है यहां पर भैया अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्स टू ए बी वाहब क्या बढ़िया आइडेंटिटी है कभी से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम इसको ये लीजिए साहब ये कुछ आपके पास में आ चुका है ना हमारे पास में कुछ ऐसा आ चुका और फिर यहां पर यहां पर भी हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाय टू प्लस टू टेन फाइव बाय टू ये कुछ है बिल्कुल है और ये कुछ आपके पास में और यहां पर भी वही वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाय टू माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन फाइव आई टू लेकिन पिक्चर केवल यहीं पर आकर नहीं रुक रही है पिक्चर तो इसका क्यूब भी करना पड़ रहा है इसका क्यूब भी मुझे करना पड़ेगा तो ये लीजिए साहब मैंने ऐसा कुछ कर दिया ठीक है अब आप अब क्या किया जाए इसका क्यूब खोल लीजिए इसका क्यूब खोलेंगे तो आपको इसका क्यूब अपने आप में कुछ लंबा सा ही काम होगा भैया हुँ? इसका क्यूब अगर खोला जाएगा तो काफी लंबा समय लगेगा बट जो भी है चलिए ठीक है कोई बात नहीं आप एक काम कर सकते हैं इसको भी थोड़ा सा छोटा करने के लिए और वन प्लस टेन स्कोर फाइव बाय टू जो है इसे सेक्सर फाइव बाय टू लिखा जा सकता है यहां पर भी सेक्स केयर फाइव बाय टू लिखा जा सकता है तो चलिए एक और स्टेप कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और कोई बात नहीं सेक्स केयर थ्री टा बास टू टेन है बिल्कुल है और यहाँ पर यही रहेगा लेकिन यहाँ माइनस ये रह सका ऐसा और यहाँ पर भी क्या यहाँ पर आपने इसका क्यूब करा तो ये ये इसका पहले वन प्लस टेन स्कोर फाइव बाई टू क्या होगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं भैया प्लस टू टैन फाइव बाय टू ये लीजिए और अपॉन में यहाँ पर ये ये माइनस और ये और ये क्यूब चलिए ये हमने कर दिया इतना तो नोट डाउन कर लीजिएगा भैया इतना तो मैं मिटा ही देता हूँ ये लीजिए साहब ये हमारे समक्ष आ चुका है अब एक काम कीजिए बच्चों एक बड़ा अच्छा सा ऑपरेशन होता है मैथमेटिकल कंपोनेंट एंड डिवेंडो योगांतर अनुपात में वो कंपोनेंट एंड डिवेंडो का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाता हूं और पहले तो मैं काम करूं वो कंपोनेंट एंड डिवेंडो लगाऊं उसकी बजाय मैं दोनों तरफ पहले क्यूब कर लेता हूं तो क्यू ये दोनों तरफ कहा इस तरफ क्यूब जो करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी तो क्या होगा यहां पर इसका क्यूब किया जाएगा तो सेक क्यूब नहीं इसका क्यूब करेंगे तो यह कुछ होगा सेक की पावर सिक्स प्लस इसका क्यूब करेंगे तो और टू का क्यूब एट होता है ये लीजिए मैं लंबा तो नहीं जा रहा हूं भैया मेरे को ऐसा कुछ कुछ डाउट हो रहा है कि मैं खामखा खा आ, स्टेप्स को ज्यादा नहीं खींच रहा हूं भाई मैंने दोनों तरफ पहले स्क्वायर किया तो उससे मुझे ये एक्सप्रेशन मिलकर आ गया आ गया और फिर मैंने दोनों तरफ आर एच एस पे चूंकि क्यूब दे रखा था इसलिए क्यूब भी करना मेरा काम था लगता तो ऐसा ही है कि मैंने जो करा है वो सही करा है चलो देखी जाएगी भैया होगा क्या हद से हमको वापस थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा अभी क्या करा आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी क्यूब करेंगे ना प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी तो थ्री टाइम्स तीन दो ना छ हो गया टेन फाइव बाय टू हो गया सेक्स स्क्सर फाइव बाय टू हो गया सेक्स फाइव बाय टू हो गया यस इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ये होगा और यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या प्लस uh, आएगा कि माइनस आएगा माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए माइनस बी यह कुछ आएगा भैया ए क्यूब ये रहा प्लस बी क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी और यहां ए क्यूब प्लस प्लस नहीं आएगा ना यहां पर माइनस आएगा यस यहां पर माइनस आएगा माइनस आएगा, आएगा और फिर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए माइनस बी यस ये हो गया अब आप लगा दीजिए कंपोनेंट योगांतर तो जब आप कंपोनेट में ले जाकर जोड़ेंगे तो न्यू में ले जाकर आप जब जोड़ेंगे तो ये टू तो पहले से था नहीं था इसमें इसको ले जाकर जोड़ दिया सेक्सर थीटा बायू माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा बायू ये जोड़ा इस, मैंने डिनोमिनेटर को इसमें ला जाकर जोड़ दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं तो न्यूमरेटर क्या था न्यूमरेटर था ये न्यूमरेटर था ये इसमें से डिनोमिनेटर को माइनस किया तो माइनस करेंगे तो ये जो प्लस वाला था वो माइनस का हो गया और जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया ये लीजिए जनाब ये आ चुका अभी क्या होगा जब आपने इनको ऐड किया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसल और ये सेक्स का थीटा बाय टू प्लस सेक्स का थीटा बाय टू विल बिकम टू टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा बाय टू और ये दोनों आपस में कैंसल और ये क्या होगा फोर टाइम्स ऑफ टेन थीटा बाय टू ये लीजिए साहब ये दोनों को ऐड करा तो ये आया इन दो इसमें से इसको ये करा तो ये आया आया साहब और फिर वही काम मुझे आर पे करना है तो जब मैं आर पे करूंगा तो क्या होगा आर पर जब मैं यही काम करूंगा तो मैं क्या करूंगा न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को एड करूंगा तो देखिए पहला वाला जो एलिमेंट है पहला वाला एलिमेंट लिखा प्लस दूसरा वाला एलिमेंट लिखा प्लस तीसरा वाला एलिमेंट लिखा प्लस चौथा वाला एलिमेंट लिखा चौथा क्यों चार एलिमेंट क्यों है ए प्लस बी प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा एलिमेंट और इसका इसमें करेंगे तो ये तो ये तो न्यू है और इस न्यू में हम किस को करेंगे न्यू में हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो ये पहला पहला माइनस दूसरा माइनस है ना ये माइनस तीसरा और प्लस चौथा होप आपको ये समझ में आया है थोड़ा सा मैं उतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन को लिखूंगा रेदर कि मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं इसको थोड़ा सा छोटे में लिख लू पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट ये, दु, ये रहा प्लस दूसरा एलिमेंट ये रहा प्लस तीसरा एलिमेंट ये रहा प्लस चौथा एलिमेंट ये रहा प्लस अब ये इसको ले जाके करा तो ये माइनस ये माइनस थ्री टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस ये और माइनस माइनस प्लस होप ये बात भेजे में आई है परफेक्ट अब आप न्यूमरेटर में में डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर जैसा था वैसा का वैसा लिखा माइनस अब इस इसको माइनस करेंगे. करेंगे तो पहला एलिमेंट फिर माइनस करके लिखा था दूसरा एलिमेंट फिर माइनस करके लिखा था तीसरा एलिमेंट और फिर प्लस करके लिखा था चौथा एलिमेंट होप आपको यह बात भेजे में आ रही है अब यहां क्या होगा बच्चों यहां पर आ, ये टू से फोर कैंसल होकर टू टाइम्स बचेगा और ये क्या हो गया ये हो गया two theta by two तो थीटा टू टन थी टू और न्यूमरेटर में देखें तो बच्चों थीटा को मैं छोटा सा करके लिख सकता हूं का थीटा टू. और ये आप देखें तो ये और कुछ नहीं बच्चों ये थीटा थीटा होता है का थीटा बाई टू, टू क्या होता है साइन थीटा तो ये वही कुछ आया है और अब आप जब यहां पर एड करेंगे तो क्या होगा ये माइनस वाला और ये माइनस वाला ये दोनों इस प्लस वाले से कैंसल हो जाएंगे और बचेंगे पहला और चौथा एलिमेंट पहला एलिमेंट कौन है अब पहला एलिमेंट है सेक की पावर सिक्स फाइव बाई टू ये है भाई ये और ये भाई देखिए जब आपने इन दोनों को ऐड करा तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले से और ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा होप आपको ये बात समझ में आई है और ये क्या होगा सेक्स और ये दोनों पहला पहला एलिमेंट दो बार ऐड होंगे इसलिए टू टाइम्स हो गया और आखिरी आखिरी एलिमेंट भी दो बार ऐड होंगे इसलिए वो भी प्लस होगा तो आखिरी आखिरी एलिमेंट दो बार एड करेंगे तो कितना होगा प्लस ट्वेल्व टेन फाइव आई टू सेक्स स्क्वायर स्क् और रही बात बच्चों यहां पर माइनस करने की तो जब माइनस करेंगे तो ये ये वाला इधर क्या कैंसिल हुआ था ये ये दोनों होता। इधर ये दोनों कैंसिल कैंसिल इधर होंगे होंगे क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे हो जाएंगे और इसी तरीके से ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे क्यों और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्यों क्योंकि इस प्लस के साथ में इस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस का हो गया तो ये इनको ऐड करो बाकी कौन से बचे बाकी बचे ये दोनों भाई ये ये दोनों ऐड होंगे इस बार ये दोनों ऐड होंगे तो ये कितना जाएगा? टेन क्यूब फाइव बाय टू और फिर क्या वहां पर आ, न, ये और साथ में क्या होगा आ, प्लस ट्वेल्व होगा बिल्कुल और फिर टेन फाइव बाय टू इसमें से इसका जब आपने कुछ कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है वैसे गलती हुई है यस yes. गलती क्या हुई है जब आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा आ, किन दोनों का तो यहां पर क्या होगा सिक्स टाइम्स ये ए बी इंटू ए प्लस बी था ए प्लस बी था तो बी का स्क्वायर होगा तो यहां पर सेक का ये आ रहा होगा ये आप में से कई लोगों के दिमाग में आया होगा सर आपने गलत लिखा है तो चलिए मैंने रेक्टिफाई भी कर लिया और ये भी और कुछ कर लिया ये लीजिए जनाब ये कुछ हो चुका हमारे पास में हो चुका है यस yes. भाई हमने यहां पर क्या करा हमने जब इन दोनों को ऐड करा इसमें इसको ऐड करेंगे तो पहली बार ये दोनों ऐड होंगे तो ये टू टाइम्स हो गया फिर ये दोनों कैंसिल हो गए और यहां पर ये फिर मैंने यहाँ पर एक गलती करी ना जब इसका क्यूब करूंगा क्यों ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू एक्स थ्री ए होगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्र माइनस थ्री ए स्क्वायर बी अब जब आपने न्यूमरेटर में ऐड करा इन दोनों को जब ऐड करोगे तो न्यूमरेटर ऐड करने पर क्या होगा ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे और ट्वाइस ए क्यूब प्लस सिक्स ऑफ ए बी क्यूब ए बी स्क्वायर। और जब डिनोमिनेटर में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा टू बी क्यूब टू बी क्यूब और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सिक्स टाइम्स ऑफ ए बी बिल्कुल है तो टू टाइम्स ऑफ ए क्यूब ए का काम ये कर रहा है ए का काम ये कर रहा है ये, ये का काम कर रहा था। तो टू टाइम्स ऑफ ए क्यूब तो इसका क्यूब हो गया प्लस सिक्स ऑफ ए बी स्क्र तो सिक्स टाइम्स ऑफ ए का काम ये कर रहा था कौन कर रहा था ए का काम नहीं ए का काम कर रहा था ये और बी का काम कर रहा था ये। तो ए बी स्क्वायर तो ऐसा कुछ होगा अभी सही करा है मैंने मैं जब आप इनको ऐड करा तो यहां ए का काम कौन कर रहा है ए का काम ये कर रहा है तो टू टाइम्स ऑफ ए क्यूब टू टाइम्स ऑफ ए क्यूब टू टाइम्स ऑफ इसका क्यूब प्लस टू टाइम्स ऑफ ए क्यूब यानी इसका क्यूब कर दिया प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ सिक्स टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ए का काम कौन कर रहा है ए का काम ये कर रहा है और बी स्क्वायर मतलब ये ए सिक्स टाइम्स ऑफ सिक्स टाइम्स होगा ना तो मैंने यहां पर क्या करना है एक मिनट थोड़ी सी मैं क्या कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं ये चेक करना जरूरी है यहां पर ए का, का काम कर रहा है ये और बी का, का काम कर रहा है ये तो टू टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर और ए है यहां पर ये और बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा चार तीन बारह और इसका स्क्वायर कर दिया इसलिए ये हो गया और अपॉन में टू बी क्यूब टू बी क्यूब करेंगे तो टू बी क्यूब क्या होगा टू इन टू बी क्यूब और बी का क्यूब क्या मतलब और ये आठ दूनी सोलह ठीक है और फिर क्या सिक्स टाइम्स ऑफ ए स्क्र भी तो सिक्स टाइम्स ऑफ ए स्क्र तो ए स्क्त क्या होगा यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पावर फोर आ जानी है नहीं है और सिक्स टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इन बी और वो छह दुनी बारह हो जाएगा इसीलिए चलिए तो ये मैंने मेरे ख्याल से सही कर दिया है भैया मैंने बोला कि हो सकता है हम सही नहीं जा रहे हो मुझे प्रॉब्लम को पीछे भी ले जाना पड़े वापस से कह रहे यार इतनी सब कहा मगजमारी कर रहे थे हम हो सकता है कोई किसी के पास में कोई बहुत आसान तरीका हो बट मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने वही लिखा है भैया सो ये वन ऑफ साइन थीटा आ चुका है ये क्या आ चुका बच्चों वर् अपॉन साइन थीटा आया है यस देख सकते हैं आप यहां पर और अभी क्या करें बच्चों यहां पर हम इतना तो समझ चुके हैं अब न्यूमरेटर में हम यहां से टू कॉमन निकालते हैं और सेक्स स्क्र फाइव बाय टू को भी हम कॉमन निकालते हैं मैंने टू सेक्स स्वयर फाइव बाय टू को न्यूमरेटर से कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचेगा सेक की पावर फोर फाइव बाय टू और ये क्या बचेगा टू आ, ये तो कॉमन आ चुका तो छह बार बचाइए सिक्स टाइम्स ऑफ हो जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा बट भाई कोई बोले सर आपने इतना लंबा थोड़ा काम किया मैंने तो बहुत छोटे से में कर लिया तो हो सकता है भैया किसी ने बहुत छोटे से में कर लिया हो डिपेंड करता है भैया आपका दिमाग कितना काम कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय एनीवेज मैंने इस पूरे में से किसको कॉमन निकाल दिया बच्चो टू से फाइव बाई टू को आराम से आप इतमान से आप चेक कर लीजिए मैंने ये कॉमन निकाला है टू टू तो यहां बचा सेक्स चला गया तो के पावर फोर बचा और यहां से चला गया तो सिक्स अब फाइव बाई ट्रीट टू फाइव बाई टू और इधर से भी अगर ऐसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये टू हो जाएगा और इधर से क्या कॉमन निकल कर आ रहा है बच्चों इधर से आ रहा है टेन hmm, uh, इन दोनों में से आ रहा है यस yes. और फिर क्या बचा इधर से अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो क्यों कॉमन निकाल के रख रख रहे हैं चार कॉमन निकालिए ना भैया आपको कौन रोक रहा है यहां से आप चार कॉमन निकाल दीजिए निकाल दिया दी आपने तो यहां बचा चार टेन टू, और यहां बचा तीन और सेक की पावर फोर फाइव बाय टू ये यह लीजिए यही कुछ आएगा बिल्कुल मैं इसे मिटा दे रहा हूं भैया ये देखिए अब यहां फिर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्या भैया ये, ये थीटा तो RHS, LHS पे आई चुका और ये यहां से टू आ, ये देखिए ये टू है टू, आ, को मैं क्या करूं मैं इसमें से टेन स्कू में से काम कीजिए आप केवल टेन को ही कॉमन निकालिए और एक टेन को रहने दीजिए तो यहां पर भी एक टेन बच जाएगा मैं पूरा टेन स्क्र फाइव बाई टू कॉमन नहीं निकालता मैं टेन स्क्यर फाइव टेन फाइव बाई टू कॉमन निकालता हूं तो देख लीजिए इसमें से जब आप टेन फाइव बाई टू कॉमन निकालेंगे तो यहां टेन बचेगा, बचेगा और यहां पर क्या बचेगा uh, यहां पर एक टेन बच जाएगा और से की पावर फोर तो बचेगा ही बचेगा और फिर ये क्या फिर यहां पर ये फोर कैंसिल होकर टू टाइम्स और ये टेन फाइव बाई टू है और न्यू में क्या आएगा ये वन प्लस टेन स्क्र फाइव बाई टू और वन प्लस टेन स्क्र फाइव बाई टू और ये अभी यहां पर एक काम कीजिए अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को बच्चों सेक की पावर फोर फाइव बाई टू से डिवाइड कर दीजिए किससे डिवाइड करेंगे पावर फोर फाइव बाई टू से जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये है कुछ ऐसा यस yes. इसे आपने किससे डिवाइड किया सेक की पावर फोर फाइव बाई टू से तो सेक की पावर फोर फाइव बाई टू से डिवाइड करेंगे और यह सिक्स है तो ये टेन फाइव बाय टू और अपॉन में सेक्स स्क्र फाइव ये कुछ ऐसा आ जाएगा ये लीजिए ऐसा कुछ इन टू में सिक्स है और ये उसका स्क्वायर और यहां पर भी वही काम किया मैंने आ, फोर टाइम्स ऑफ टेन फाइव बाय टू तो था पर मैंने इसे इससे डिवाइड कर दिया ये लीजिए साहब और उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर कर दिया और यहां पर हम्म और ये पूरे को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं यस और ये क्या होगा आ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो हो जाएगा थ्री ये तो जा चुका तो बचेगा कितना टेन फाइव बाई टू मैंने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है भैया हो नहीं सकता कि मैं प्रॉब्लम में गलती ना करूं मैं इसे मिटाऊंगा बच्चों मैंने आ, राइट हैंड साइड पे क्यूब कर देने के बाद में मैंने कंपोनेंट एंड डिवेंडो लगाया है मैं थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश कर रहा था मैं ये लिखने में मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ ना कुछ गलती करी है तो एल तो आपके पास में वन अपॉन साइन थीटा है और रही बात आर की तो आर को आप अगर देखें तो आर आपके पास में वन अपॉन साइन फाइव हो गया वन अपॉन साइन फाइव हो गया यस yes, ये भी सही जा रहा है और ये इन में कितना वन प्लस और ये जो आपके पास में ये साइन थीटा होगा तो ये ये क्या होगा ये साइन थीटा का एक्सप्रेशन होगा लेकिन ये साइन थीटा नहीं एक्जेक्टली exactly, ये हो जाएगा वन बाय टू साइन थीटा वन बाय टू साइन थीटा मतलब सिक्स बाय फोर साइन लीजिए साहब ऐसा कुछ है हां जी। और आ, यहां पर यदि यह हम देखें तो ये क्या है यहां पर अगेन वो साइन ये साइन स्क्र फाइव है प्लस यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कहीं ना कहीं कुछ अब मिस्टेक मुझे होती हुई नजर आ रही है अब मैं जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यह बकायदा थ्री साइन फाइव होगा साइन क्यूब फाइव भी होगा थोड़ा सा हम देखें मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है होप आपने वो गलती कहीं ना कहीं छाट ली होगी भैया क्योंकि ये जो मैंने जब ये किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए बी स्क्र देखिए क्या हुआ था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी स्क्र प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्र बी और इसको न्यूमरेटर में ले जाके जोड़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी जब इसको मैंने जोड़ा न्यूमरेटर में इसको ले जाकर जोड़ा तो क्या बचा था न्यूमरेटर में इसको ले जाकर जोड़ा और डिनोमिनेटर में इसमें से न्यूमरेटर में इन दोनों को ऐड करा तो ऐड करा तो वो आएगा टू ए क्यूब प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर सही किया मैंने यस करा तो सही यार फिर जब इसमें से माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा टू बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर भी।, भी सही है और ए अभी टू से टू कैंसिल कर देता हूं यहां भी कैंसिल कर देता हूं तो फाइनली बचेगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्तर इंटू थ्री और यहां पर क्या बचेगा बी क्यूब प्लस ए स्क्र बी इंटू थ्री ये बचेगा और ए क्यूब कौन था ये था तो इसका क्यूब हो गया सेक्स का क्यूब करूंगा तो sec की पावर फाइव बाय टू होगा प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए तो सेक्स स्क् और b का स्क्वायर करूंगा तो b का स्क्वायर मतलब टू टेन फाइव का स्क्वायर टू टेन फाइव का तो बारह ही होगा और अपॉन में b क्यूब b क्यूब करूंगा तो वो टेन क्यूब आएगा यह आएगा कुछ हाँ गलती हुई है मेरे से यस yes. मैं कैसे नहीं करूं गलती भैया ये यह यह यह, और यहां पर ट्वेल्व टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सेक के ये, ये होगा यस yes, ये आ चुका भैया ये आएगा तो डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में ये टू चला गया वो मतलब टू तो आप पहले निकाल चुके तो ये बचेगा सिक्स और यहां पर इसका क्यूब करेंगे तो ये एट हो जाएगा और ये दो टू टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो दो तिया छ होगा ना यहाँ बारह नहीं आएगा यहां पर फिर आएगा यस yes, यहां पर छ आएगा यहां पर छ आएगा में आएगा बारह लेकिन यहां पर 6 आएगा और इसमें से हमने क्या कॉमन निकाला भाई ये तो बचा ये कि प्लस बारह टाइम्स ऑफ दिस आया. और डिनोमिनेटर में क्या ये तो एट था तो एट आ, बी क्यूब मतलब ये आया और यहां पर ये अभी परफेक्ट जा रहा है ये अभी परफेक्ट जा रहा है इन दोनों में से क्या कॉमन निकल कर आ गया ये यहां पर यह आ गया तो यहां पर बारह आएगा यहां पर बारह आएगा ये यस yes. और यहां से क्या कॉमन निकाला टू कॉमन निकाला आपने यहां से टू कॉमन निकाला तो ये बचेगा और यहां पे थ्री बचेगा बिल्कुल ठीक बात है अभी मैंने सही करा है यस अभी मैंने सही करा है और फिर उसके बाद में क्या होगा ये बारह को में से दो में अंदर लेके चला जाता हूं ये लीजिए तो बचेगा यहां पर थ्री देखिए मैंने क्या करा इस पूरे में सेक्स से कर फाइव बाई टू कॉमन निकाल दिया सेक्सकर फाइव बाई टू कॉमन निकाल दिया और इस बारह को मैंने टू का स्क्वायर इंटू थ्री ये कर दिया और यहां पर भी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में मैंने क्या कॉमन निकाला था ये तो यहां पर ये सही है और यहां पर ये यह भी सही है और ये जब आपने डिनोमिनेटर में से टेन फाइव आई टू आप जब कॉमन निकालेंगे कॉमन क्या निकालेंगे आप डिनोमिनेटर में टेन का स्क्वायर नहीं आएगा केवल टेन ही आएगा ये गलती कर रहा था मैं मैंने कहा मैंने गलती करी और आपने देखी भी होगी भाई तो यहां पर यह गलती थी तो यहां से मैंने टू टेन फाइव आई टू कॉमन निकाला तो यहां पर देखिए फोर टेन स्क्वायर फाइव आई टू यहां पर ये आया और ये अब ये पूरी जो है इस पूरे की वैल्यू हो गई साइन फाइव और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई वन प्लस थ्री हो गया अब तो सॉल्व हो चुका साहब ये क्या हो गया ये पूरा हो गया वन प्लस थ्री और ये क्या होगा साइन स्क्वायर फाइव और डिनोमिनेटर में क्या है ये पूरा आप देखें तो ये साइन फाइव है और उसका स्क्वायर है तो ये साइन स्क्र फाइव और ये प्लस ये तो जा ही चुका है तो बचा थ्री होप आपको ये समझ में आ चुका है भैया ये लीजिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए थ्री थ्री साइन फाइव प्लस साइन क्यूब फाइव और इस इक्व टू क्या आएगा साइन थीटा इंटू वन प्लस थ्री साइनस क्या बहुत लंबा समय ले लिया और लंबा समय कहाँ लिया प्रॉब्लम लंबी नहीं थी मैंने गलती जो कर दिया उस गलती के चक्कर में मुझे काम ख़राब हो गया भैया नोट डाउन कर लीजिएगा हमने अभी तो छह ही प्रॉब्लम सॉल्व करी है मेरे ख्याल से

और ये वन प्लस टू टेन स्क्वाइ प्लस वन वन से वन क्या हो गया कैंसल वन से वन कैंसल हो गया और वन से वन कैंसल हो जाने के बाद में यहां पर आपके पास में क्या आएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन स्क्र फाइव और इन दोनों में से टू कॉमन निकल कर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्र फाइव ये कुछ आएगा भाई तो आपने क्या करा हांजी बिल्कुल सही बात है यह हो चुका और ये दोनों आपस में कैंसल हो गए और यहां ये टेन स्कोर फाइव जो है ये चलिए इसको टेन स्क्र फाइव मैंने जो का त्यो रखा और इससे मैंने सेक्स स्क्र फाइव कर दिया ये कि ये हमारे पास आया और इससे फिर मैं क्या करूंगा साहब साइन स्क्र फाइव अपॉन कॉस् फाइव और सेक्सर फाइव को अपॉन वन प्लस ये और ये दोनों कैंसल इज इक्व टू आ गया कितना बच्चों माइनस साइन स्क्र फाइव और LHS पे जा रहा हूं हमें कॉस्ट थीटा दे रखा है और हमें टेन थीटा वैल्यू निकालनी है अब कॉन्सिटा क्या होगा जो आपको गिवन है बच्चों कॉन्सिटा की वैल्यू क्या होगी कॉन्सिटा की वैल्यू होगी वन माइनस टेन स्कटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू जो एल है वो कॉस थीटा था दैट आई हैव एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ टेन थीटा बाई टू ये लीजिए और जैसा लिखा है ये जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखे दिया ये लिख दिया साहब अभी अगला काम क्या करेंगे हम अगला काम हम ये करें कि हम दोनों तरफ कंपोनेंट एंड डिवेंडो लगाते हैं साहब वन माइनस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय टू और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए भाई मैंने क्या करा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाकर जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करा और जो काम मैंने एलएचएस पे करा वही मुझे आर पे करना है भैया आर पे न्यूमरेटर में क्या था कॉस अल्फा इंटू कॉस था उसमें मैंने वन माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा को ऐड करा और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया इसको माइनस कर दिया ये लीजिए साहब ये लीजिए कंपोनेंट एंड डिवेंडर लगाया साहब मैंने, uh, uh, मैंने क्या करा मैंने क्या करा मैंने क्या करा मैंने क्या करा मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाकर जोड़ दिया लीजिए भाई पहली बात तो मैंने थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टर्मसिटा बाई टू लिख दी है लिख दी आर एच एस को जैसा लिखा अब कंपोनेंट एंड लगा इसको ऊपर ले जाकर जोड़ दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया और वही काम मुझे यहां पर करना है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाकर जोड़ दिया डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को मैंने माइनस कर दिया सही है यस yes. अभी यहां तक तो कुछ ऐसा ही होगा अब अगली स्टेप में मैं क्या करूं बच्चों? अगली स्टेप में मैं इन दोनों को करता हूं और यहां पर भी तो ये न्यूमरेटर में बनेगा टू और डिनोमिनेटर में बनेगा बच्चों टू टन स्क्र थीटा 2। ठीक है टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा और रही बात यहां पर आ, तो आ, ये जो आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कौन सा यहां पर यदि आप देखें तो कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस वन और यहां पर क्या वन माइनस साइन ए प्लस बी नहीं वन माइनस साइन नहीं कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस वन और यहां पर कॉस ए कॉस बीस प्लस साइन एस आइन बी तो यह हो जाएगा आपके पास में माइनस साइन कॉमन निकाल देने के बाद में ये लीजिए साहब और आरएचएस का जहां तक सवाल है तो ये आपके समक्ष जो आया है हुँ? भाई ये जो आपके पास में जो पिक्चर बनकर आई है इसको मैं क्या कर सकता हूं मैं इसमें और क्या फेर बदल कर सकता हूं मैं इसमें बदल यह करता हूं कि वन प्लस थीटा को वन प्लस थीटा को लिख देता हूं टू कॉन्स थीटा बाई टू ये लीजिए और वन माइनस थीटा क्या होगा टू साइन स्क्र थ्री बाई टू ये टू से टू क्या हो गया कैंसल और फिर आ, ए, आ, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाता हूं मैं तो वो होगी कॉसकेर ए बाय टू कॉसकेयर ये माइनस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये जो आपके पास में आया इसे अगली स्टेप में क्या लिखा जा सकता है भाई ये तो आपके पास में है uh, square, uh, ये कुछ हमारे पास आ रहा है और जो मुझे प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए मैं ये करता हूं कि कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यस और इस ये कॉस है, कॉस बी माइनस साइन एस साइन बी और साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए और उस पूरे का मैंने स्क्वायर कर दिया ये लीजिए साहब कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन एस साइन बी और यहां पर भी वही कर दिया अब आप एक काम कीजिएटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इस को सिंपली कॉस अल्फा बायू साइन बीटा कॉस बीटा बाय से डिवाइड कर दीजिए डिवाइडिंग न्यू एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय अल्फा बायू कॉस बीटा बायू तो देखिए आर पे क्या बनेगा जब आप इसे अल्फा बाय टू कॉस बीटा बायू से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा तो बन जाएगा वन बन जाएगा और ये पूरा जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है आपको हो तो तो कैंसिल होकर बचेगा कितना और इधर जब डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा बाई टू से कॉस बीटा बाई टू कैंसल और ये क्या बचेगा यहां पर माइनस आएगा यहां पर माइनस आएगा है ना ये माइनस और ये क्या होगा टेन बीटा बायू और इस पूरे का क्या बच्चों स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बाय टू होप आपको बात भेजे में आ गई है भेजे में घुस चुकी है भाई हमने क्या करा अव्वल दर्जे पर तो मैंने कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा बाय टू एक्सप्रेस किया

अब इसका पलटा मारिए और जो तो स्क्वायर रूट ले लीजिए पहले स्क्वायर रूट ले लीजिए बाद में पलटा मार दीजिए बात ये प्लस माइनस भी आएगा हालांकि अपने को केवल उन्होंने प्लस वाला ही प्रूव करने को दे रखा था नोट डाउन कर लीजिएगा अगली प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूं अगली प्रॉब्लम में मुझे क्या बोल रखा है जनाब वाई टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स अल्फा इज इक्वल टू सिक्स बी हमें प्रूव करना है कुछ ये देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ये ट्रायंगल बनाया मैंने और ट्राइंगल में आपको वाई टेन वाई वाई दे रखा है मतलब मैं यूं कह सकता हूं दूसरी में कि टेन वाई वाई वाई। क्या नहीं बोल सकता बिल्कुल बोल सकता हूं और रही बात बच्चों हाँ तो पर अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है सिक्स बीटा अल्फा की वैल्यू सिक्स बीटा भी दे और जो अपने बीटा ही है कोई बात नहीं टर्न अल्फा की वैल्यू ये ठीक है साहब अब आप एक काम कीजिए ये जो आपके पास में है टू बीटा, जो प्रूव करना है आप उसकी एल एच एस लीजिए और एल एच एस क्या होगी कॉस टू बीटा को क्या वन अपॉन साइन टू बीटा नहीं लिख सकते लिख सकते हैं और ये क्या होगा वन अपॉन कॉस टू बीटा लिख सकते हैं ही? दीजिए साहब और ये कुछ हमारे समक्ष आ चुका है ये ठीक है और फिर x की वैल्यू जो है हमें जो प्रूव करना है उसमें RHS में केवल x और y है उसमें बीटा बीटा कुछ नहीं है मतलब आ, सब कुछ आपको जो निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है आपको जो निकालना है वो और वाई के बीटा को एलिमिनेट करते हैं बीटा को एलिमिनेट करने के लिए काम कीजिए इन टू, टू कॉस बीटा क्या मैं नहीं लिख सकता बिल्कुल लिख सकता हूं और ये वाई अपॉन कॉस टू बीटा जो है बच्चों इससे मैंने टू कॉस्टर बीटा माइनस वन लिख दिया लिख दिया लिख दिया साहब टू कॉस्टर बीटा ये लीजिए माइनस वन सही है यस और एक्स अपॉन टेन अल्फा की वैल्यू दे रखी है एक्स तो ये इससे मैं यदि अल्फा लिखूं इससे भी मैं यदि अल्फा बाय लिखूं तो काम तो खराब है बहुत लंबा जाना पड़ेगा मेरे को मेरे को जो काम करना पड़ेगा भैया वो काफी लंबा करना पड़ेगा प्रॉब्लम बनाने वाले ने मुझे दे रखा है कि आप को तो जो दे रखा है भैया टेन अल्फा बराबर क्या दे रखा है एक्स अपॉन वाई होप जो दे रखा है वो तो सही दे रखा है भैया टेन अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई और जो प्रूव करना है मुझे वो ये है साइन टू बीटा को टू साइन बीटा को बीटा लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है और मैं ऐसा ना करते हुए यदि एक काम करूं मैं एक्स और वाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो एक्स बराबर क्या होगा आ, यहां एक्स बराबर क्या लिखा जा सकता है एक्स बराबर लिखा जा सकता है वायन अल्फा लिखा जा सकता है अपॉन साइन टू बीटा चलो वैसे ही रहने दो और ये वाय अपॉन कॉस टू बीटा रहने देते हैं ऐसा ही इन दोनों में से ये कॉमन निकल कर आ गया आ गया तो ये क्या हो गया टेन अल्फा इंटू कॉस टू बीटा माइनस कुछ होते हुए नजर आ रहा है मुझको यस yes. ये लीजिए साहब साइन टू बीटा कॉस टू बीटा हम जब प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं कई बार हमें समझ में आ जाता है कि हम सही जा रहे हैं कई बार नहीं समझ पाते तो ये तो हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ता है हमको अभी टेन अल्फा की वैल्यू को मैं यदि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख दो तो किसी को कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए इंटू कॉस टू बीटा है ही सही और ये साइन टू बीटा इंटू ये ये केवल साइन टू बीटा है है ना और अपॉन में क्या साइन टू बीटा कॉस टू बीटा ये दीजिए और अगली स्टेप में क्या बच्चों ये वाई अभी एल्म लीजिए एल्सियम लेंगे तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस टू बीटा माइनस साइन टू बीटा इन कॉस अल्फा और अपॉन में क्या अपॉन में है साहब कॉस अल्फा कॉस टू बीटा साइन टू बीटा ये लीजिए और फिर क्या वाई और ये साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी क्या होता है बच्चों क्या होता है ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस है साइन ए माइनस बी ये लीजिए साहब और अपॉन में जो लिखा था वो वैसा का वैसा लिख दे का अपना टाइम वेस्ट करूं समझना है भैया हमें क्या करा है हमने वाई और रही बात इसकी अल्फा बराबर आपको दे रखा है सिक्स बीटा तो अल्फा बराबर जब सिक्स बीटा यहां फिट, फिट, फिट तो जाएगा चलिए मैं ये भी कर देता हूं सिक्स बीटाइनस टू बीटा और अपॉन में जो था वैसा का वैसा लिखा सो so, ये ये हो गया और ये हो गया गया और साइन फोर बीटा और अपॉन में जैसा लिखा था वैसा का वैसा ये लीजिए वाई और साइन फोर बीटा को यदि मैं कॉस टू बीटा और अपॉन में क्या अपॉन में आपके पास में है कॉस अल्फा और फिर क्या साइन टू बीटा बीटा ये लीजिए तो बहुत कुछ हो ही चुका तकरीबन तकरीबन अभी ये क्या होगा बच्चों की वैल्यू यदि आप देखें तो वो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कुछ आएगा और यहां पर वाई से वाई कैंसल ये हो चुका है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्स वाई स्क्र टू अंडर द रूट ऑफ एक्सेस के प्रसवास का तो बकायदा वही प्रूव हो भी चुका है कॉपी पक कीजिएगा साहब लीजिए साहब हम सोच रहे थे कि हम क्या करें वो बीटा वगैरह को एलिमिनेट कर दें भाई प्रॉब्लम को करने के और भी तरीके हो सकते हैं और निश्चित रूप से आपने करा भी होगा बच्चों तो नंबर की प्रॉब्लम प्रॉब्लम और नंबर की में मुझे कुछ खासा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा वही काम करता हूं कॉस्ट थीटा को मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय टू लिखता हूं वन प्लस टें थीटा बाय टू वन माइनस टें थीटा बाय टू इस तरह से कुछ लिखा जाएगा और आर एच एस जैसी लिखी है वैसी की वैसी लिखी उसे लिखने में मैं अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करूंगा भैया आप देख सकते हैं मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं किसी को लगे सर बहुत सारा बोलते हैं इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है कहा भैया जितनी देर लिखता हूं उतनी देर बोलता हूँ तो नहीं बोलता हूँ हाँ भैया है ना प्रॉब्लम uh, में कहीं अटक जाए तो एक अलग बात है भैया और मैं भी तो रियल टाइम में ही काम करता हूं जिस तरीके से आप कर रहे हैं होप आप लोगों ने भी प्रॉब्लम को ट्राई करा होगा और एक बार नहीं दो दो तीन तीन, तीन बार ट्राई करा होगा किसी की बनी होगी किसी की नहीं बनी होगी भैया मैंने न्यूमरेटर कंपोनेंट एंड एंडिवेंडो लगाया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ में एड कर दिया और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को मैंने माइनस कर दिया है कोई कोई कोई, कोई खास डिफरेंस नहीं है एक नंबर की प्रॉब्लम में ये है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस वन प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा और डिनोमिनेटर में से मैंने न्यूमरेटर को माइनस करना है ये लीजिए अभी क्या होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वही किसी पिटी सी बात आएगी बच्चों जो थोड़ी देर पहले आई थी ऊपर भी टू आएगा नीचे भी टू आएगा जो कैंसिल हो जाएगा प्रैक्टिस यही हमें सिखाती है कि हम कितनी जल्दी काम कर सकते हैं इन दोनों को एक साथ में लिखते थे जब इन दोनों को एक साथ में लिखा तो कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा बच्चों बचेगा वन प्लस कॉस बीटा और बाकी जो बचा हुआ है उसे आप देख सकते हैं वह कॉस बीटा प्लस वन क्या किया मैंने मैंने ये करा बच्चों इन दोनों को एक साथ लिख दिया इन दोनों में से अल्फा कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा one, यहां बचेगा कॉस और यहाँ दोनों में से ये और फिर यहाँ पर क्या होगा यहां पर भी कुछ वैसा होगा और यहां पर भी कुछ ऐसा होगा मैंने क्या करा बच्चों मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा कॉस अल्फा वालों को एक साथ लिख दिया कॉस अल्फा वालों को एक साथ लिख दिया तो ये लीजिए कॉस अल्फा आ चुका और यहाँ बचेगा वन माइनस कॉस कॉस अल्फा कॉमन निकाला इनफैक्ट ये नहीं निकाला मैंने माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाला इन दोनों में से जब मैंने माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला हो गया प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस और इन दोनों को मैंने जब एक साथ में लिखा तो बच्चों ये हो गया कितना वन माइनस कॉस बीटा इन दोनों में से कॉस अल्फा कॉमन निकाला तो बचा वन और बीटा और इन दोनों में से ये कुछ है और यहाँ पर जब इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो कॉस अल्फा कॉमन निकालेंगे माइनस का कॉस अल्फा तो यहाँ बचेगा वन और यहाँ पे बचेगा माइनस कॉस बीटा और इन दोनों में से निकाला तो वन माइनस कॉस बीटा और अब क्या होगा बच्चों अब होगा ये कि ये इन दोनों में से भी वन प्लस कॉस बीटा कॉमन आ रहा है आराम से आप चेक कर सकते हैं दोनों में से वन प्लस कॉस बीटा कॉमन आ गया तो बचेगा वन प्लस कॉस अल्फा अरे वन प्लस कॉस बीटा यहां पर भी यहां पर भी कॉमन निकाले तो यहां बचेगा वन और यहां बचेगा कॉस अल्फा और इन दोनों में से भी जब मैंने वन माइनस कॉस बीटा कॉमन निकाला तो बचेगा कितना वन माइनस कॉस बीटा <laughs> वन माइनस कॉस अल्फा वन प्लस कॉस बीटा यहां पर भी था यहां पर भी था इधर से कॉमन निकाला तो इधर बचा वन उधर बचा कॉस अल्फा इन दोनों में से वन माइनस कॉस बीटा कॉमन निकाला तो इधर बचेगा वन उधर बचेगा का वन माइनस कॉस अल्फा और अब क्या करेंगे अब ये होगा बच्चों कि यहां तो जो लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा और वन माइनस कॉस बीटा वन प्लस कॉस बीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों इसे आप लिख सकते हो टेन स्कोर बीटा बाई टू और इससे आप क्या देख सकते हो बच्चो टेन स्कूल तो ये। ये रे, ले 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 वर्ग मूल ले लीजिए इस बार तो बकायदा प्लस माइनस भी आ रहा है प्रूव करने के लिए भी इलावंत नंबर की प्रॉब्लम भैया बड़ी जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ वो जब किसी को डोनेशन दी जाती तो 11 रुपे, रुपे, 11 11 है तो ग्यारह रुपए इक्कीस रुपए ग्यारह लाख रुपए ग्यारह करोड़ रुपए दिए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं ग्यारह अरब की प्रॉब्लम करवा रहा हूं ग्यारहवें नंबर की प्रॉब्लम बच्चों इसमें काम कीजिए आप टेन बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन अल्फा निकालिए टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं चलिए टेन अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन बीटा क्या होगी बच्चों टेन अल्फा की वैल्यू होगी इन टर्म टर्म्स ऑफ टेन बीटा टेन अल्फा की बीटा

जो प्रूव करना है उसमें केवल बीटा ही बीटा चाहिए इसलिए ही तो चलिए टेन अल्फा की वैल्यू कितनी थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ टेन बीटा और ये टेन बीटा अपनी जगह पर है ये लीजिए थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ टेन बीटा इन और टेन बीटा ये लीजिए अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा वन बाय टाइम्स ऑफ टेन बीटा और ये करेंगे तो क्या होगा वन बाय टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर बीटा ये लीजिए भाई थ्री बाय टू टेन टेन बीटा में से टेन बीटा को माइनस करेंगे तो वन बाय टू टेन बीटा ये कुछ पिक्चर आएगी आएगी बिल्कुल और ये क्या हो गया बच्चों एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये न्यूमिनेटर में तो बन गया टेन बीटा और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर बीटा ये कुछ होगा ऐसा ही कुछ है यस हाँ भाई मैंने टेन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा टेन अल्फा माइनस टेन, टेन, टेन बीटा टेन ऑफ टेन बीटा निकाली वो यहां रखे थ्री बाय टू में से वन बाय टू जा, वन जाएंगे तो वन बाय टू टाइम बचेगा अब आपको जो प्रूव करना है उसमें साइन टू बीटा और कॉस टू बीटा चाहिए और मसला यह है कि यहां पर वो है नहीं यहां पर तो क्या है वो आ, टेन बीटा है तो कैसे किया जाए चलिए इसमें एक काम करें इसे हम चेंज करें साइन इसे क्या लिख सकते हैं आप साइन बीटा कॉस बीटा आप LCM, LCM ले लीजिए साइन बीटा कॉस बीटा में चेंज कर दीजिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भैया मैं इतना काम तो कर ही सकता हूं कम से कम ये लीजिए अभी होता हुआ नजर आ रहा है ये कर दिया मैंने हुँ? अब यस इतना तो मैंने कर दिया। अब मैं काम करूं न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूं? इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 by 2 साइन 2 बीटा होगा और इसको क्या लिखेंगे? अब 1 प्लस कॉस कर बीटा को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 बीटा और यहां पर ये 3 मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि इतना तो मैं डायरेक्ट चल ही सकता हूं भैया मैंने टू से डिवाइड कर टू से मल्टीप्लाई कर तो टू साइन बीटा कॉस बीटा हो जाएगा साइन टू बीटा अपॉन में टू रह जाएगा और टू बीटा तो डायरेक्ट लिख दिया और ये साइंस के बीटा को वन माइनस कॉस टू बीटा एलसीएम ले लीजिए बच्चों एलसीएम लेंगे तो टू ही डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा टू का मल्टीप्लाई होगा तो ये टू हो जाएगा और ये यह थ्री हो जाएगा और ये थ्री कॉस टू बीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के denominator में में आया था वो यहां से यहां से हो जाएगा और और फिर ये तो है थ्री जाएंगे तो माइनस वन बचेगा और ये कुछ ऐसा आएगा और एल एच एस का जहाँ तक सवाल है बच्चों तो वो हम निकाल रहे थे किसकी वैल्यू टेन अल्फा माइनस बीटा की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव माइनस इन टू टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आएगा साइन टू बीटा और बहुत अच्छे से आंखें गड़ा कर देखिए वही चाप को प्रूव करना है